हेलो दोस्तों, आज हम बेबी फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर रखा हुआ है। अब आएंगे हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो यहाँ मैंने 5 इंच रखा है शोल्डर, और 5 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे आर्म होल की, और एक बॉक्स तैयार कर देंगे 5 इंच का। और इसे राउंड शेप देते हैं हम, इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब आएंगे हम चेस्ट पर। चौथाई हिस्सा मैंने इसमें 20 रखा है, सॉरी चौथाई सा मैंने इसे 5 इंच रखा है। और यहाँ पे आएंगे हम कमर पर, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच रखा है। और इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का हो गया, और ये हमारा लेंथ हो गया, सॉरी ये हमारी मार्जिन का हो गया। अब आएंगे हम नेक पर। तो हम इसे बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, तो यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे, और 2.5 इंच हम आगे नीचे की तरफ लेंगे, और एक बॉक्स तैयार कर देंगे 2.5 इंच का इस तरह से। और इसे राउंड शेप देते हुए हम इसे इस तरह से गोल कर देंगे। तो ये हमारा नेक बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से। और थोड़ा सा हम इसे डाउन कर देंगे शोल्डर को इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम कटिंग पर। तो पहले हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया सामने का टॉप। और ऐसे ही हमें कपड़े को भी काटना है, और नीचे का घेरा तैयार करने के लिए ऐसी हमें चौड़ाई लेनी है कपड़े की, लेंथ और चौड़ाई जितना ही लंबा बनाना है। तो हमें इस तरह से इसमें चुन्नट डालनी है, इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से डिजाइन बना देंगे, तो बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद ये।